स्टूडेंट्स नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस पाए चार्ट पाए चार्ट इज़ वन ऑफ द बेसिक ग्राफ्स दैट वी यूज टू डिस्क्राइब डेटा इन आवर एनालिस पाए चार्ट जैसा कि आपको नज़र भी आ रहा है कि ये बड़ा एक सिंपल सा ग्राफ होता है इसमें हम जो पाए है उसको पीसेज में जो है एक प्रपोशन पर, को दिखाते हैं या हम पीसेज में जो है एक कैटेगरी को दिखाते हैं यानी अगर हम मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पर आपको जो चार्ट नज़र आ रहा है इसमें चार पीसेस नजर आ रहे हैं आपको वन टू थ्री एंड फोर यानी ये जो चार्ट है ये जिस भी वेरिएबल के लिए बना है उस वेरिएबल की चार कैटेगरीज हैं और अब ये चार कैटेगरीज जो हैं वो टोटल जो है आपकी हंड्रेड परसेंट पॉपुलेशन को प्रेजेंट कर रही हैं अब इसमें जो चार्ट का साइज है वो पपोशन टू द कैटेगरी पपोशन इन द पापूलेशन है यानी जैसे कि हम कैटेगरी वन देखते हैं यहाँ पे तो इट इज़ इज़मोस्ट दिफ्टी परसेंट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन यानी ये जो कैटेगरी वन है ये हमें जो है विजुअली ये नज़र आ रहा है कि ये जो टोटल डाटा कलेक्ट किया गया उसका फिफ्टी परसेंट है इसी तरह अगर हम कैटेगरी टू को देखें तो ये ऑलमोस्ट ट्वेंटी फाइव परसेंट नजर आ रही है आपको ऑफ़ द टोटल पॉपोलेशन इसी तरह हम अगर कैटेगरी थ्री एंड फोर्थ को देखें तो कैटेगरी थ्री जो है वो ट्वेंटी फाइव परसेंट से कम है और कैटेगरी फोर जो है वो कैटेगरी uh, थ्री से कम है उसकी रिप्रेजेंटेशन तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि ग्राफ्स जो होते हैं वो इंटरेक्टिव होते हैं यानी आपके लिए इट इज़ क्विट ईजी टू अंडरस्टैंड कि जो कैटेगरी वन है उसकी पपोशन जो है वो बाकी तमाम कैटेगरीज से ज़्यादा है और दूसरी सेकंड मेजर प्रपोर्शन इन द डेटा है वो कैटेगरी टू है और थर्ड लेवल पे कैटेगरी थ्री है और जो लीस्ट प्रपोर्शन इन द डेटा है वो कैटेगरी फोर है तो इस तरह से हम जो है इसको इंटरेक्टिव बना देते हैं अपने ऑडियंस के लिए और वो इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं चार्ट जब हम बनाते हैं तो चार्ट पर हम फ्रीक्वेंसी भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और परसेंटेज भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और पाई चार्ट की ये खासियत है कि आप एक कैटेगरी को एक पर्टिकुलर कलर के साथ शो कर सकते हैं और अब इसमें जो है एडवांस चार्ट्स भी आ गए हैं जिसको हम थ्री डी चार्ट्स कहते हैं जिसमें आपको ये स्लाइसड करके भी कैटेगरीज दिखाई जाती हैं पाई चार्ट की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हम इसे एस पी एस एस में कैसे जो है बनाते हैं इसके लिए आपको एस पी एस एस की जो इनपुट जो व्यू है उसमें जो डेटा व्यू की जो इंटरफेस है उसमें ग्राफ्स पे जाकर लेगेसी डायलॉग्स में जाना है और वहाँ से पाई चार्ट को सिलेक्ट करके आपने बाय डिफॉल्ट जो समरीज ऑफ ग्रुप ऑफ केसेस है उसको सेलेक्ट करके जो है डिफ़ाइन करना है और यहाँ पर आकर जैसे यहाँ पर डिसिप्लिन के लिए पाई चार्ट बनाया गया है तो यहाँ पर आपने डिसिप्लिन को डिफाइन सीरीज बाय में ले लेना है इसका आप टाइटल भी दे सकते हैं यहाँ पे और टोटल नंबर ऑफ केसेस के लिए बना रहे हैं तो हमारे पास ये जो पाई चार्ट बना है ये डिसिप्लिन के लिए तो इसमें हमें जो ग्रीन कलर है वो मैनेजमेंट साइंस के लिए और जो ब्लू कलर है वो सोशल साइंस के लिए और ये जो ऑफ वाइट मस्टर्ड टाइप कलर है ये इंजीनियरिंग के लिए यानी ये जो इस स्टडी में जो कि मैं आपको भी दिखा रहा हूँ इसमें जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो मैनेजमेंट साइंसेस से थे सेकंड मेजॉरिटी सोशल साइंसेस की और थर्ड मेजॉरिटी जो है वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की थी इसको जब आप बनाते हैं तो इसको आप क्लिक करके एस में आउटपुट व्यू में इसको एडिट वगैरह भी कर सकते हैं वो जो अब वो जब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि इसमें हम कैसे इसको एडिट करते हैं